Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. ट्रंप की जानिब से सफेद फार्म बालादस्ती की मजम्मत से इनकार, ट्रूडो और कनाडा के सियासी रहनुमाओं की मजम्मत सामने आ गई। कनाडा ने आजरबाईजान और आर्मेनियाई लड़ाई में कैनेडियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के इल्जाम की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कंजर्वेटिव ने एक मरतबा फिर WE चैरिटी के मामले की जांच पड़ताल के लिए जोर देना शुरू कर दिया। PRC में तहरीक पेश कर दी गई। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,58,758 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,41,85,374 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 10,19,165 हो गई। रूस और फ्रांस आजरबाईजान और आर्मेनिया में जंगबंदी के हामी। रूस और फ्रांस के सदूर का टेलीफोन पर राबता, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वजीर आजम के वालिद को बगैर मास्क खरीदारी महंगी पड़ गई, 200 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein, www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सफेद फार्म बालादस्ती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि सफेद फार्म की बालादस्ती समेत नफरत की कैनेडा में कोई जगह नहीं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन के खिलाफ बहस के दौरान सफेद फार्म बालादस्ती की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, जिस पर जस्टिन ट्रूडो समेत कैनेडा के सियासी रहनुमा सफेद फार्म बालादस्ती के मामले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि वो सफेद फार्म बालादस्ती और नस्ल परस्ती की मजम्मत करते हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि हम इंतहा पसंदी से महफूज नहीं हैं, जो हमारी बिरादरियों को तकसीम करने का बाइस है। उन्होंने बयान में कहा कि सफेद फार्म की बालादस्ती समेत नफरत की कनाडा में कोई जगह नहीं। NDP रहनुमा जगमीत सिंह ने सफेद फार्म बालादस्ती के नजरिए को मुस्तरद करते हुए कहा, ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये लोगों को तकसीम करता है, इससे जज्बात मजरूह होते हैं। कनाडा के दीगर सियासी रहनुमाओं का कहना था कि नस्ल परस्ती अपनी तमाम शक्लों में खतरनाक है, बिलखसूस सफेद फार्म बालादस्ती। इससे तशद्दुद और नफरत फैलती है, जबकि लोगों को तकलीफ भी पहुंचती है। उन्होंने कहा कि हमें इसका तालीम और शऊर से मुकाबला करने की जरूरत है। कैनेडियन वजीर खारजा ने आजरबाईजान और आर्मेनिया के माबैन जारी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स में कैनेडियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से आयद किए जाने वाले इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर खारजा ने आजरबाईजान और आर्मेनिया के माबैन जारी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स में कैनेडियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से आयद किए जाने वाले इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि नगोर्नो काराबाख में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों की इत्तला पर कैनेडा को शदीद तशवीश लाहक है, लिहाजा हम जंगबंदी के फौरी खात्मे और आम शहरियों के तहफ्फुज़ के एहतराम के मुहिदे का मुतालबा करते हैं। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के तर्जुमान ने बताया कि हम इल्जामात से आगाह हैं कि आजर
अजरबैजान और आर्मेनिया तनाजे में कैनेडियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वजीर खारजा ने फौरी तौर पर मुतालिका अहदेदारों को इन इल्जामात की तहकीकात करने की हिदायत भी कर दी है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस कदर संगीन है कि आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बेगुनाह बच्चे, खवातीन और मर्द मर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इसमें मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें मुस्बत इकदामात की जरूरत है, जिसके नतीजे में इंसानी जानों के ज़िया को रोकते हुए इसे बचाने को यकीनी बनाया जाए। वाज़ह रहे कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जानिब से अजरबैजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया है। कंजर्वेटिव हाउस के रहनुमा ने PRC में पेश की गई तहरीक की वजूहात का मुताला करने, WE चैरिटी से वाबस्ता दस्तावेजात के मजीद इंकशाफ करने पर जोर देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम हुकूमत से एक सीधी सी दरख्वास्त कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव ने उन तमाम उमूर की बहाली पर जोर देना शुरू कर दिया है जो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मौसम गर्मा की तशहीर के बाद बंद हो गए थे, जिनमें WE चैरिटी के तलबा का तनाजा, कमेटी स्टडीज समेत तमाम पार्लिमानी कारोबार शामिल हैं। इस जमन में कंजर्वेटिव ने प्रोसीजर एंड हाउस अफेयर्स कमेटी में एक तहरीक भी पेश की है, जिसमें वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से पार्लियामेंट की तौसीक करने के फैसले से मुतालिक दस्तावेजात और WE से मुतालिक नए इंकशाफात का सिलसिला जारी रखने की दरख्वास्त की गई है। कंजर्वेटिव हाउस के रहनुमा ने PRC में पेश की गई तहरीक की वजूहात का मुताला करने, WE चैरिटी से वाबस्ता दस्तावेजात के मजीद इंकशाफ करने पर जोर देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम हुकूमत से एक सीधी सी दरख्वास्त कर रहे हैं। हो सकता है कि शुभात में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन तहकीकात करना हमारा काम है, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं। उनका मजीद कहना था कि मामलात की तहकीकात को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए अपोजिशन के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के अलावा PRC भी एक मकाम है। लिबरल के रुकन पार्लियामेंट का कहना था कि WE का मामला मजीद जवाब पेश करने के लिए उठाया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि WE चैरिटी का मामला कैनेडियन आवाम के लिए अहम है, क्योंकि अब मुल्क COVID-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कंजर्वेटिव का कहना था कि उन्हें यकीन है कि अगर हिज्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वोट तलब किया तो इस तहरीक की हिमायत की जाएगी। इसी वजह से अब वो लिबरल से कमेटी का एक और इजलास तलब करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,297 है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,58,758 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,297 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 74,258 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,834 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद 51,710 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,848 है। अल्बर्टा में 18,062 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 267 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में 9,138 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 234 है। दुनिया का कोई खत्ता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,41,85,374 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 10,19,165 हो गईं। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,11,752 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 74,47,693 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना से 98,708 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिर मरीजों की तादाद 63,12,584 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ ये वायरस 1,43,962 जिंदगियाँ निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 48,13,586 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 20,891 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 11,85,231 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस ने 5,251 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया है, जबकि यहां 3,63,479 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,768 रिपोर्ट हुई हैं,
जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,34,605 तक जा पहुंची है। रूस और फ्रांस ने अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जारी लड़ाई खत्म करवाने का मुतालबा किया है। रूस ने फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात की मेजबानी की भी पेशकश की है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस और फ्रांस ने अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जारी लड़ाई खत्म करवाने का मुतालबा किया है। रूस ने फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात की मेजबानी की भी पेशकश की है। रूस के सदारती महल क्रेमलिन के मुताबिक दोनों ममालिक के सदर व्लादिमीर पुतिन और एमैनुएल मैक्रोन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंगबंदी के लिए की गई सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश की है। दोनों ममालिक की हुकूमतों से रूस के करीबी ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली ये शदीद तरीन झड़पें हैं। वाज़ेह है कि अजरबैजान के वजारत दिफा ने अब तक लड़ाई में 2300 आर्मेनी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा किया है, जबकि आर्मेनिया के 130 टैंक, 200 से ज्यादा आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम, 25 फिजाई दिफाई निजाम को भी तबाह करने से मुतालिक भी कहा है। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में लड़ाई की शदीद मुज़म्मत की गई है और दोनों फरीकों से फौरी जंगबंदी की अपील की गई है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के वालिद को मास्क पहने बगैर खरीदारी महंगी पड़ गई, पुलिस ने 200 पाउंड का जुर्माना कर दिया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम बोरिस जॉनसन के वालिद स्टैनले जॉनसन ने मुबैना तौर पर SOPs की खिलाफ वर्जी की। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बोरिस जॉनसन के वालिद को 200 पाउंड जुर्माना अदा करना पड़ा। बगैर मास्क अवामी मकामात पर जाने पर स्टैनले जॉनसन ने माजरत कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक स्टैनले जॉनसन एक न्यूज एजेंट की दुकान पर बगैर मास्क खरीदारी कर रहे थे। इससे कबल भी स्टैनले जॉनसन से मुतालिक शिकायत सामने आ चुकी है, जब वो कई माह कबल कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर मास्क सफर के मर्तकब हुए थे। उनका कहना था कि वो बैरून मुल्क कुछ वक्त गुजार कर आए हैं, जिसके सबब मुल्की कवानीन समझने से मुतालिक भूल हो गई। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.